मेरे नूरे रत्न, मेरे प्रिय दर्शकों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। बेटा, हम आप लोगों के साथ अपने बचपन की यादों को ताज़ा कर लेते हैं, खुश हो लेते हैं। कहते हैं ना कि जो जो बीत गया बड़ा अच्छा था, लोग अपना बचपन भूल नहीं पाते हैं। तो हमारे साथ हमारे क्लासमेट थे, हमारे साथ पढ़ते थे, अनिल शर्मा। तो अनिल शर्मा जी इस समय मेरठ में हैं और वो मेडिकल कंपनी में MR है। इनका एक बेटा है जो कि HL में काम करता है। बड़े ही जिंदा दिल खुश मिजाज इंसान है ये। तो इन्होंने हमको लिखा कि आई एम ग्रेट फैन ऑफ योर यूट्यूब प्रेजेंटेशन। आई एम ग्रेट फैन ऑफ योर यूट्यूब प्रेजेंटेशन। एक ऑब्जर्वेशन है, इफ़ यू टेक इट पॉजिटिवली, I think in your opening address every time your storyline is for your students as मेरे लाडलो प्यारे बच्चों। In that context, the parrot bought a story had a little adult's content. For Kravi group it is okay as we all are adult, but for children think over। इनकी बात हमें बहुत अच्छी लगी। हमने आप लोग को एक कहानी सुनाई थी तोते की, कि भाई तोते ने रामलाल का पर्दाफाश कर दिया था। तो इन्होंने कहा जैसा कि आप बच्चों के लिए कहती हैं, लेकिन आपकी तो कहानियाँ सभी लोग सुनते हैं, तो आप मेरे लाडलो ना कहकर, मेरे बच्चों ना कहकर आप सबके लिए संबोधित किया करें। तो देखो बेटा, कहते हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुवाए। तारीफ करने वाले तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन जो हमारी कमियों को बताए उससे अच्छा सच्चा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। और कहने का भी अंदाज देखो कितना प्यारा, कि शिकायत करो लेकिन प्यार भरी। कितनी अच्छे से कहती, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ यूट्यूब, आई एम ए ग्रेट फैन ऑफ योर यूट्यूब प्रेजेंटेशन। जो आप बोलती हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब देखो बचपन में हम लोग साथ खेलते थे, पढ़ते थे, अब कोई कहाँ गया कोई कहाँ गया, लेकिन एक लगाव देखो कितना अच्छा लगता है। इन्होंने आगे लिखा कि कुछ लोग ज़िंदगी होते हैं। सही बात है, कुछ लोग ज़िंदगी होते हैं, कुछ लोग ज़िंदगी में होते हैं, कुछ लोगों से ज़िंदगी होती है, पर कुछ लोग होते हैं तो ज़िंदगी होती है। तो मेरे लाडलो, मेरे प्यारे दर्शकों, आपके हमारे बीच में जो प्यार का रिश्ता है, ये क्या कर रहा है, जीवन को एक नई गति दे रहा। आप मुझे पाकर खुश हैं तो मैं भी आपको पाकर के बेपना आनंदित रहती हूँ। मैं तो आपसे कहती हूँ ना कि मैं बैठ अकेली करती थी दीवारों से बातें, तुम सब क्या मुझे मिल गए, मेरी तो गुलजार हो गई रातें। तो जिस तरह मैं आपको पाकर धन्य हो गई, आप भी मुझसे मेरे साथ प्रसन्न रहते हैं। तो इन्होंने बड़ा अच्छा लिखा, मैंने सोचा आप लोगों को भी क्यों ना मैं सुनाती चलूँ। कहते भावनाएं ही हैं जो दूर रहकर भी अपनों की नज़दीकियों का एहसास कराती हैं, वरना दूरी तो दोनों आँखों के बीच में भी है। उसके बाद हमें इनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि जिस तरह ये कमियों को बताते हैं, उसी तरह अगर कोई अच्छा काम करता है ना, तो ये उसे मोटिवेट भी करते हैं, प्रोत्साहित भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, उसके मनोबल को भी बढ़ाते हैं। ये खूबी मुझे इनकी बहुत अधिक अच्छी लगी। इन्होंने मेरे पास अपनी एक छोटी सी प्यारी सी कहानी भेजी है। इन्होंने लिखा कि रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क के किनारे कटोरा लिए एक भिखारी लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने कटोरे में पड़े चिल्लर को हिलाता और साथ साथ गाना भी गाता जा रहा था। तो गाना क्या गा रहा था, कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तो जो कटोरे में ध्वनि हो रही थी और उसके गीत को सुनकर जो मुसाफिर आते जाते उसके कटोरे में कुछ सिक्के डाल देते थे। अब ये कहते हैं कि हमने सुना था वो जो भिखारी था उसके जो पुरखे थे वो शहर के नामचीन लोग थे, अर्थात बहुत मशहूर थे, किसी ज़माने में बहुत रईस हुआ करते थे। इसकी ऐसी हालत कैसी हुई, ये भी अपने आप में शायद एक अलग ही कहानी होगी। तो बोलते आज भी वो रोज़ की तरह कटोरे में पड़े हुए चिल्लर को हिलाता और गरीबों की सुनो तुम्हारी सुनेगा गीत गा रहा था। तभी एक व्यक्ति भिखारी के पास आया, उसकी नज़र भिखारी के कटोरे पर पड़ी तो रुक गया और उसने अपनी जेब से
एक बटुआ निकाला, उसमें बटुए खूब नोट भरे हुए थे, 50, 100, 10, 20, 1000 के भी। अब पर्स काफ़ी मोटा था, उसको निकाल के वो गिनने लगा। तो जो भिखारी था उस व्यक्ति को इतने सारे नोट गिनते हुए देखकर बड़ी आशा भरी नज़रों से उसको टकटकी लगाए देख रहा था, शायद मुझे भी कोई एक छोटा सा नोट मिल जाए। लेकिन जो वो व्यक्ति था वो एक व्यापारी था, उसने धातुओं का काम किया था, सोना चांदी हर चीज़ का धंधा करता था वो, तो बड़ा अनुभवी था। तो उसने क्या किया, वो ध्यान से उसके कटोरे को देखता रहा, फिर भिखारी के पास गया, बोला एक बार बताओ क्या तुम मुझे अपना ये कटोरा 1000 रुपये में दे सकते हो। अब तो भिखारी का मुंह हैरानी से खुला खुला रह गया कि भाई लोग तो उसके 1 रुपया 2 रुपया देते थे, 1000 रुपये इस कटोरे का। तो व्यापारी ने सोचा, उस व्यक्ति ने सोचा, लगता 1000 रुपये इसको कम लग रहे हैं, तो अच्छा रुको मैं तुमको 2000 रुपये देता हूँ, 2000 में तो दोगे। उसने अपने पर्स से 2000 का नोट निकाला और भिखारी को पकड़ा दिया। भिखारी तो आंखें आश्चर्य से फटी और उसने एक हाथ से कटोरा पकड़ा बढ़ाना शुरू किया, दूसरे हाथ से उसने पैसे पकड़ लिया। अब जो व्यापारी था उसने उस कटोरे को लिया, फटाफट से झोले में टांगा डाल दिया, बैग में डाल दिया और रेलवे स्टेशन के नाम मांग रहा था, दौड़ के रेलगाड़ी में चढ़ गया और वो शहर ही छोड़ के चला गया। उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो ये दोबारा अपना कटोरा मांग ले। और जो इधर भिखारी था ना, वो 2000 का नोट पाते ही मारे खुशी के ऐसा पावला हुआ, उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो इस व्यापारी का दिमाग बदल जाए, इस व्यक्ति का दिमाग बदल जाए, ये लौट आए अपना 2000 का नोट ले ले। वो रेलवे स्टेशन छोड़कर पूरी स्पीड के साथ भगा, दौड़ सजा कि मैं कहीं इसको नज़र ना हो। इधर जो व्यक्ति था वो पूरब की दिशा में भागा जा रहा है और जो भिखारी था वो पश्चिम की दिशा में भाग रहा जा रहा है, दोनों विपरीत डायरेक्शन में भाग रहे हैं। दोनों के मन में डर है कि कहीं वो हमको दोबारा लौट के मिल ना जाए, व्यक्ति के मन में है कहीं वो दोबारा कटोरा ना मांग ले, जो भिखारी सोचता कहीं नहीं अपना 2000 का नोट ना मांग ले। उसके लिए 2000 बहुत बड़ी बात थी भाई, 1 रुपया 2 रुपया पाने वाला व्यक्ति दिन भर में मुश्किल से 10-15 रुपये पाता था, 2000 पाकर तो उसको लगा जैसे वो आसमान में उड़ रहा है। वो भागने लगा। अब जब वो ट्रेन में बैठ गया, ट्रेन चल पड़ी, वो बार बार अपने बैग में हाथ डालता और देखता मेरा कटोरा सही सलामत है कि नहीं, कि उसको बैग के अंदर ही वजन करता कि आधा किलो से तो ये कम नहीं बल्कि आधा किलो से ज़्यादा ही होगा। अब वो सोचे अरे 50-60 हज़ार का सामान मैंने केवल 2000 रुपये में खरीद लिया। और वहाँ व्यापारी डरे, वो भिखारी डरे, कितना गंदा सड़ा गुला कटोरा था और उसके मुझे 2000 रुपये मिले, वो अपने सपने बुन रहा है, ये अपने सपने देख रहा है। तो जो मेरे लाडलो, मेरे साथियों, जो कटोरा था वो सोने का था लेकिन वो इतना गंदा हो गया था, उस पर इतनी धूल मिट्टी जम गई थी कि भिखारी को कभी उसकी कीमत ही नहीं पता चली। और जो आने जाने वाले लोग थे जो उसमें सिक्के डालते थे, उनका भी ध्यान कभी उस तरफ गया ही नहीं। तो मेरे साथियों, इसी तरह हम भी अपने अनमोल इंसानी जामे की उपयोगिता को भूल बैठे हैं और एक सामान्य कटोरे की भांति उसको साधारण समझकर खटका कर कौड़ियाँ इकट्ठे कर रहे हैं। हम मकान दुकान अच्छे कपड़े गहने जेवर में इसी में उसका पूरा मूल्य समझ लेते हैं कि हमने सब कुछ पा लिया। हीरे को हम कौड़ियों में खरीद रहे हैं। मेरे बच्चों, मेरे साथियों, ये जो इंसानी जन्म है 84 लाख योनियों के बाद मिला है, इसे ऐसे ना गंवाएं। हर समय परमात्मा का नाम
जप कर अपना जीवन सफल बनाएं। ये नहीं कि काम धंधा करना छोड़ दें, काम करते रहो। कहते काम करते रहो, नाम जपते रहो, चलते फिरते हरि नाम रटते रहो, खुद जागो औरों को जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो जो कोई भी जिस इष्ट देव की, अल्लाह जीजस वाहेगुरु हम किसी भी नाम से उसको बुलाएं, उसका मन में डर रखो, उसका उसका डर रखते हुए, उसका स्मरण करते हुए अपने काम को निरंतर बढ़ाते रहो। आगे अनिल शर्मा जी कहते हैं, टू पे अटेंशन टू एवरी एक्ट इज बी ए हीरो। जब हम अपने हर काम को बहुत अच्छे ढंग से करते हैं तो हम एक हीरो की तरह होते हैं, बहुत अच्छा, हमारा बहुत मुख्य किरदार होता है। ए हीरो एक्टर इज वन हु हैज ग्रेट अटेंशन फॉर एवरी एक्ट ऑफ हिज। ही मेक श्योर दैट नन ऑफ हिज वर्ड्स एक्शन आर ऑर्डिनरी और वेस्ट। जो भी वो काम करता है, जो भी वो शब्द बोलता है, उसको ये पता होता है कि मेरे शब्द साधारण नहीं है, मेरा काम साधारण नहीं है, मैं असाधारण हूँ, मेरे काम असाधारण है। तो आपको अनिल शर्मा जी की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और हम अपने आप को बेहद खुशनसीब समझते हैं कि हमें ईश्वर ने इतने अच्छे अच्छे साथी दिए, इतने अच्छे दोस्त दिए। आप लोग के परिवार की तरह मेरे भी परिवार का, मेरे विद्यालय के परिवार का पूरा ग्रुप मिल गया, जो कि अपने लाभ से, अपने ज्ञान के से आप लोगों को भी लाभान्वित कर रहा है। तो मेरे लाडलो, आपको इनके विचार, इनकी कहानियाँ कैसी लगी हमें लिख के बताना। देखो भाई, अनिल शर्मा ने कहा ना कि अगर आप पॉजिटिवली लें, कितनी अच्छी बात है कि इसको सकारात्मक तरीके से सोचें, तो क्या है आप सबके लिए संबोधित करें, क्योंकि भाई मेरा चैनल तो सभी लोग देख रहे हैं। और सही बात, इस तरह तो मेरा ध्यान आकर्षित ही नहीं हुआ, मैं तो हमेशा आप ही लोगों के बारे में सोचती रह गई। तो इसी तरह मेरे प्यारे साथियों, अगर आप कोई कमी देखते हैं तो उसे भी बताया करें, ये होता है सच्चा दोस्त और ये होती है सच्ची दोस्ती। तो हमारे आपके बीच में भी ऐसी ही दोस्ती होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको टाटा बाय बाय।